उत्तराखंड में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ, वहीं हरिद्वार में भी मतदाताओं के बीच काफी उत्साह देखने को मिला। दूसरी ओर पुलिस भी सुरक्षा की दृष्टि से मुस्तैद रही। हरिद्वार के कनकल स्थित महिला विद्यालय मतदान केंद्र पहुंचकर योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने मतदान किया, जबकि हरिद्वार विधायक और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने भी श्री भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय के मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। हरिद्वार से सुमेश खत्री की रिपोर्ट। देखिए, मैं राजनीतिक दृष्टि से ना पक्ष ना विपक्ष, मैं निष्पक्ष हूँ। इसलिए राजनीतिक तौर पर किसी भी तरह से कोई अतिरिक्त सक्रियता उसकी अपेक्षा मुझसे नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छी स्थिति है। पिछले 1.5 साल में सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उस एजेंडे को लेकर हम आगे बढ़े हैं। सातों नगर निगम में हमारी बेहतरीन स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। देखिए, अभी तक तो सुचारू रूप से चल रहा है, ऐसे कहीं से भी कोई सूचना नहीं आई है। सभी जगह सेक्टर ऑफिसर्स हैं, जोनल ऑफिसर्स हैं और सुपर जोनल ऑफिसर्स हैं, सभी अपने अपने लेवल पे सुपरवाइज कर रहे हैं और पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है। तो व्यवस्था के लिए पूरे निर्वाचन आयोग से इंस्ट्रक्शंस आते हैं, उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की है। अपना फर्ज पूरा किया है, वोट दी है, लेकिन करने वाले करें तब ना, करता तो कोई नहीं है लेकर के। सब जो है इधर उधर ही जो रहते हैं अधिकांश, लेकिन ये है कि आशा है कि अब करें, विकास करें। सड़कें हैं जो पड़ी हुई हैं, अधूरी हैं, सिविल वगैरह का कार्य है उसको पूरा करें, तो हमें खुशी होगी इस बात की।